यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में एक डिज़ाइन शेयर करेंगे। इस डिज़ाइन को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, ये मैंने नेक के लिए बुकरम ली है और इस बुकरम की जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच रखी है, ये देखिए। अब हम इसको बीच में से मोड़ लेंगे। इस तरह से हमने बीच में से मोड़ ली है। अब हम इस पर नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम नेक की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और नीचे की साइड जो नेक की गहराई है वो हम 4.5 इंच रखेंगे। आप छोटा नेक पहनते हैं तो 4 इंच भी रख सकते हैं। और इसको हम ऐसे चौकोर बॉक्स बना देंगे। और अब हम यहाँ पे इसमें गुलाई देंगे और इसके बाद देखिए हम यहाँ से 10 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान हम बीच सेंटर में लगा लेंगे। और यहाँ पे हम इसको 1.25 इंच रखेंगे, 1.25 इंच की चौड़ाई पे ऐसे निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 0.25 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाएंगे और ऐसे हम इन निशानों को मिला देंगे। और इसके बाद देखिए हम आधा या 0.25 इंच की दूरी पे कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। ये देखिए हम यहाँ पे 0.25 इंच पे लगाएंगे। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और देखिए ये मैंने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब इसके बाद देखिए ये जो बुकरम है इस बुकरम को हम काम में नहीं लेंगे, हम इसके बराबर में ये कैनवास पेपर काटेंगे। ये कैनवास पेपर मैंने बीच में से मोड़ लिया है और इस बुकरम को हम ऐसे मोड़ के रखेंगे और इससे हम कम से कम आधा आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। इसको यहाँ पे आधा इंच से या थोड़ा बहुत कम भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे की साइड। यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे ऐसे हल्की सी गुलाई देंगे और इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इस बुकरम को हम काम में नहीं लेंगे और जो ये कैनवास पेपर कट किया है इस कैनवास पेपर को और इस नेक को हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे प्रेस से। देखिए ये मैंने कपड़े के ऊपर प्रेस से चिपका लिया है और ये हमने अपनी कुर्ती वाले कपड़े के ऊपर ही चिपकाया है और ये कैनवास पेपर मैंने प्रिंट वाले कपड़े पे चिपकाया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके लिए हम एक प्लेन कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे और इसकी गहराई में हम कट लगाएंगे। अब इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और बिल्कुल इसकी किनारी पे हम सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद देखिए
हम ये नेक लेंगे और इसके चारों तरफ से कपड़े को मोड़ के और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए हम इसको अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। ये कुर्ती की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। नेक को हम सीधी साइड में रखेंगे और एक सिलाई हम इसके बिल्कुल बीच सेंटर में लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे बुकरम के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे बुकरम के नीचे नीचे सिलाई लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली है, अब हम कपड़े को काट लेंगे। ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इसके बाद देखिए हम इसकी जो गहराई है इसमें भी छोटे छोटे कट लगाएंगे। और अब हम नेक को सीधा कर लेंगे। और देखिए नेक मैंने सीधा कर लिया है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे इस पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकालेंगे और इस पे हम हाथ से तुरपाई करेंगे। और ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे जो हमने कैनवास पेपर चिपकाया है प्रिंट वाले कपड़े पे इसको रखेंगे। इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे हम इसको यहाँ पे सिल लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद पहले हम इसमें बैक साइड को अटैच करेंगे, उसके बाद हम इस पे डिजाइन बनाएंगे। ये मैंने बैक साइड ली है, हम बैक साइड को अटैच कर लेते हैं। देखिए बैक साइड मैंने इसमें अटैच कर ली है। इसके बाद मैंने ये कपड़ा लिया है प्रिंट वाला और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है। लंबाई आपको अपने नेक के हिसाब से लेनी है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम सेफ्टी पिन लेंगे और इसको हम सीधी कर लेंगे, इस पट्टी को इस तरह से हम पिन को अंदर की साइड डालेंगे और ऐसे आगे की तरफ खींचते जाएंगे तो ये पट्टी हमारी सीधी हो जाएगी। ये देखिए पट्टी मैंने सीधी कर ली है और इस पे मैंने प्रेस कर ली है। आपको भी ऐसे ही इस पे प्रेस करनी है। और अब हम इस पट्टी में बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट बनाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको इस पूरी पट्टी की प्लेट बनानी है। देखिए इसी तरीके से हम इस पूरी पट्टी पे प्लेट बना लेंगे यहाँ पे। और ये मैंने पूरी पट्टी पे प्लेट बना ली है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम अपने नेक के ऊपर अटैच करेंगे।
देखिए ये मैंने अपना नेक लिया है और यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, हल्का सा मोड़ देंगे और इसको हम नेक के चारों तरफ सिल लेंगे, बैक और फ्रंट दोनों साइड में सिल लेंगे। और देखिए ये मैंने नेक के चारों तरफ सिल ली है, ये आप देख सकते हैं बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसमें बटन लगाएंगे, यहाँ पे बीच सेंटर में हम बटन अटैच कर लेंगे और देखिए इस तरह से हम बटन अटैच करेंगे और यहाँ पे हम हैंड स्टिचिंग करेंगे यानी कि तुरपाई कर लेंगे और ये नेक हमारा एकदम कंप्लीट है। आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब